आज हम बात करते हैं पोलन प्राइमर टिश्यू के बारे में। तो जब मैं पोलन प्राइमर टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो देर आर वेरियस फीचर्स ऑफ पोलन प्राइमर टिश्यू। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पोलन प्राइमर किस तरीके का टिश्यू है, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा हुआ है। इट इज एन इलास्टिक, यानी जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, लिविंग एंड मैकेनिकल टिश्यू। इसके अलावा ये भी हमारे पास पाया जाता है, फाउंड इन होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, यानी कि सेम सेम टाइप की जो सेल्स होती है वो लेयर से प्रेजेंट होती है, होमोजीनियस लेयर होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होती है, और सेल वॉल जो होती है क्योंकि यहाँ पर वो हमारे पास थोड़ी सी कैसी होती है, वही थिक होती है, वो भी कॉर्नर पर, थिक इन कॉर्नर, तो ये कॉर्नर पर थिक होती है थोड़ी सी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसी किसी चीज का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, और किस चीज का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये बेसिकली न्यूट्रिटी सब्सटेंस है, इनकी डिपोजिशन के कारण हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो पोलन प्राइमर सेल होती है वो थोड़ी सी अपने पास यहाँ पर ठीक होती है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। ये मेरे पास एक सेल है और यहाँ पर ये मेरे पास दूसरी सेल हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, पोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट। अब मैं देखता हूँ इनके जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से ठीक होते हैं, ठीक है, जो इनके कॉर्नर होते हैं तो ये कॉर्नर है और ये थोड़े से कैसे है भाई, ठीक है, और इट इज अदर टू कॉर्नर, तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्नर जो होते हैं ठीक होते हैं, और यहाँ पर इस तरफ की प्रेजेंट है मेरे पास सेल वॉल के, ठीक है भाई, ये हमारे पास यहाँ पर इधर में सेल वॉल होती है और बीचों बीच यहाँ पर पेक्टियोल, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, ये हमारे पास पेक्टियोल प्रेजेंट है, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ पर सेलुलोज सॉरी पोलन प्राइमर के बारे में। सेल्स की अगर शेप देखें तो ओवल शेप की होती है, स्पेरिकल होती है और पॉलीगोनल शेप भी होती है हमारे पास यहाँ पर। ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर किसी किसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सॉरी किसी किसी पोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट। देन देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, आप देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से सेल वॉल ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे ये कॉर्नर इनके ठीक होते हैं,
कॉर्नर है, ये यहाँ से थिक कॉर्नर है, इनके बीच में देर इज कोई भी स्पेस नहीं होता, एक सेल ये रही दूसरी ये रही, जब इसके भी कॉर्नर थिक है इसके भी कॉर्नर थिक है, तो यहाँ पर देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, यहाँ पर कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम, एग्जांपल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन यंग स्टेम में प्रेजेंट है, पेटियोल ऑफ लीफ के अंदर प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन पेटियोल ऑफ लीफ। अब ये देखिए ये मेरे पास एक लीफ है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि इसी लीफ के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द पेटियोल, और यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है मेरे पास, कोलेंकाइम, ये मेरे पास यहाँ पर कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, कोलेनकाइमा का, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट, इसका फंक्शन है यहाँ पर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट्स। मान लीजिए कि लीफ है और ये पेटियोल, तो लीफ अगर हवा चल रही है मान लीजिए, तो आप देखिए कि लीफ इस तरीके से लहला रही है, इसके अंदर मूवमेंट होती है, क्यों, क्योंकि जो पेटियोल है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर, मान लीजिए अगर वहां पर विंड प्रेजेंट नहीं है, हवा नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लीफ हमारी इस तरह की पोजिशन है, वो इस तरीके से स्टेबल रहेंगे, क्यों, क्योंकि इस समय ये पेटियोल उसको क्या कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका फंक्शन है यहाँ पर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट्स, इसी वजह से यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोला जाता है मैकेनिकल टिश्यू। मेन चीज यहाँ पर यह है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, सेमी सेल्यूलोज और फैटी, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों चीज होती क्या है बेसिकली, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो बॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जी, तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो क्या करते हैं, विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं बता रहा हूँ पेटियोल के अंदर प्रेजेंट है, तो सबसे अपर लेयर है ये जो ग्रीन वाली, This is called the epidermis. तो epidermis सबसे अपर लेयर है जिसके नीचे कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। हाँ, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारी पेटियोल कहलाती है, जिसके ऊपर क्या लीफ है, और यहाँ पर epidermis के नीचे प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा टिश्यू, और epidermis आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर, जैसे जैसे ग्रोथ होती है बाद में, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि कोलेनकाइमा जो होता है वो एपिडर्मिस होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह और बाकी फैक्टर्स के द्वारा। अब दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता ही दो है, मोनोकोट और डाइकोट। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि कोलेनकाइमा कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, डाइकोट में और मोनोकोट में, तो मैं आपको बता दूं कि कोलेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है डाइकोट प्लांट, ये बात याद रखना, डाइकोट प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, एंड इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट के अंदर ही हमारे पास कैसा होता है भैया, एब्सेंट होता है, कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलेडंस। फंक्शन मैंने आप लोगों को इसके बताई दी है। नेक्स्ट इश्यू आता है हमारे पास यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा,
मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। देखो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है यहाँ पर हार्ड टिश्यू। इसका मीनिंग है यहाँ पर हमारे पास हार्ड टिश्यू। तो स्क्लेरेन्काइमा एक तरीके का हार्ड टिश्यू होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है उसकी जो सेल्स होती है वो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स कहलाती है एंड यूजुअली डेड डेड सेल एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। डाउट प्रोटोप्लास्ट, तो जो डेड सेल्स है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स। ड्यूरिंग मैच्योरेशन होता क्या है बेसिकली कि डेड सेल्स जो है बिकॉज ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जिस समय सेल्स हमारे पास मैच्योर होती है तो सेल्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन सेल्स लॉस देयर प्रोटोप्लास्ट, ये अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस कर क्यों क्योंकि अपने प्रोटोप्लास्ट को लॉस कर देती है एंड देन दे बिकम डेड। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ये इलोंगेटेड होती है नैरो होती है, इलोंगेटेड शेप है नैरो होती है हमारे पास ये वाली नैरो सेल्स होती है जो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स होती है, इलोंगेटेड और नैरो सेल्स। इलोंगेटेड कुछ कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर चाहिए थी ये हमारे पास इधर में क्या है भैया इलोंगेटेड सेल है, और इसी इलोंगेटेड सेल को जो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स का उसको मैं तक होता है यहाँ पर फाइबर। इसकी स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं वो टू टाइप की, दो तरीके इसमें, एक तो कहलाती है फाइबर जो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और दूसरी होती है स्क्लेरिक स्क्लेरिक। तो जो हमारे पास यहाँ पर फाइबर होती है इलोंगेटेड शेप होती है, और जो स्क्लेरिड होती है हमारे पास ये स्फेरिकल के ओवल शेप में पाई जाती है। तो हमारे पास एक नैरो शेप है जो फाइबर है, और जो स्क्लेरिड होती है हमारे पास ये स्फेरिकल और ओवल शेप या सिलेंड्रिकल शेप में पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होती है। स्क्लेरिड की शेप भी मैं ये इसका फाइबर स्क्लेरिड की शेप बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की शेप होती है मेरे पास यहाँ पर स्क्लेरिड की। तो ये शेप है मेरे पास। अच्छा फाइबर के बारे में आपको बता दूं, देखो ये बीच में ब्लैंक स्पेस है, दिस इज टर्मड एज ल्यूमिन, ये हमारे पास ल्यूमिन कहलाता है जो काफी ज्यादा स्पेशियस है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज अ थिक सेल वॉल, ये सेल वॉल कैसी है थिक सेल वॉल जो फाइबर के अंदर है। जबकि अगर मैं स्क्लेरिड्स के बारे में बात करता हूँ तो आप देखिए कि इसका जो ल्यूमिन है दिस इज अ ल्यूमिन वो काफी पतला है, इसके मुकाबले ल्यूमिन जो होता है कम होता है।
और यहाँ पर दीज आर द पिट्स, ये जो पोर्स का स्ट्रक्चर बनी हुई है ये हमारे पिट्स कहलाते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। और दिस इज द सेल वॉल, ये देखिए काफी ज्यादा थिक सेल वॉल यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया प्रेजेंट। तो बेसिकली जो स्पेनकाइमा टिश्यू होती है उनके अंदर सेल वॉल है विद फ्यू और न्यूमरस पिट्स, पिट्स मतलब की ओपनिंग्स होती है। बेसिकली सेल्स यूजुअली डेड है विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है, और इनका फंक्शन होता है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या काम है यहाँ पर इनका, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट को। एंड स्पेनकाइमा दो तरीके की है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, में फाइबर्स है स्टेरिड्स है। फाइबर्स हमारे पास थिक फोल्ड होते हैं, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होती है, नॉर्मली पाए जाते हैं ग्रुप्स में पाए जाते हैं वेरियस पार्ट्स होते हैं, गॉट इट। जबकि स्क्लेरेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो शॉर्ट थिकन प्लांट सेल ऑफ स्पेनकाइमा टिपिकली कंटेनिंग ब्रांच पिट्स होते हैं इसके अंदर, और स्फेरिकल ओवल सिलिंड्रिकल शेप में हाईली थिक डेड सेल्स होती है विद वेरी नैरो कैविटी, यानी कि जमीन बहुत ही नैरो होता है। एंड कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन फूड बॉल ऑफ नट्स, जो नट्स होते हैं हमारे पास उनकी फूड बॉल के अंदर पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा अखरोट है, मूंगफली है, दोस्तों छिलका होता है उसके ऊपर थोड़ी सी गहरी गहरी खाई सी बनी होती है दरारे से, तो बेसिकली स्पेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ तरीके की होती है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पल्प ऑफ गुआवा, यानी कि अमरूद, चलिए स्पोता यानी कि चीकू। तो क्वेश्चन भी आता है कि जैसे अमरूद खाते हैं या चीकू, तो थोड़ा सा ना खाने के बाद क्रंची क्रंची होता है, तो ये जो क्रंची क्रंची इसकी अपीयरेंस होती है, क्रंची क्रंची क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेनकाइमा टिश्यू, तो उनके अंदर स्पेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट्स द रीजन क्या है। उसके अलावा आल्सो प्रेजेंट इज सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है। एंड लीव्स ऑफ टी, लीव्स ऑफ टी जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेनकाइमा टिश्यू, ये बातें हैं यहाँ पर स्पेनकाइमा टिश्यू के बारे में, जिसमें मेरे पास एक स्पेनकाइमेटिक फाइबर्स है और कुछ स्पेनकाइमेटिक स्क्लेरेट हमारे पास यहाँ पर होते हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक है।